सो गाइस, कल आपको हम लोग करा चुके थे 52 तक क्वेश्चन एसएससी सीजन मेंस का। आज आप देखिए 53 से, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 53 ही है ये सबसे ऊपर। यहाँ से शुरू करते हैं। आपको बताना है कि इसके अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। यस, कह रहा है कि फ्रॉस्ट अक्यर्स इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्टेट एज फ्रिक्वेंटली देन इन द सेंट्रल पार्ट। अगर आप गौर कर रहे हो यहाँ पे, आपको सेंटेंस में दिख रहा है एज फ्रिक्वेंटली देन, एज के साथ में देन नहीं आया करता है, ये आपको पता है। आप इस सेंटेंस में यहाँ पे एज हटा करके मोर कीजिए, क्या कीजिए, मोर फ्रिक्वेंटली देन, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास है। या फिर एक तरीका और हो सकता था, आप यहाँ से देन हटा करके एज भी कर सकते थे, हालांकि ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए ये वैलिड नहीं माना जाएगा यहाँ फिलहाल। तो यहाँ पे आंसर माना जाएगा आपका यही वाला करेक्ट, मोर फ्रिक्वेंटली देन, यानी कि इस सेंटेंस का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट। अगर ऑप्शन में एज फ्रिक्वेंटली होता तो हम लोग ये वाला आंसर लगाते, क्लियर बात। तो फिलहाल आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे है। दे अपीयर्ड टू बी पोसिंग फॉर सेल्फीज एंड एक्सपीडिशनर हैड लेफ्ट इट सिटिंग ऑन द आइस व्हाइल ही विजिटेड अ रॉकरी इन अंटार्कटिका। टू पेंगुइन फाउंड अ वीडियो कैमरा, द पेंगुइन क्यूरियसली स्टेयर डाउन एट द कैमरा। सेंटेंस में सबसे पहले आपको सेंटेंस का पहला पार्ट ढूंढना है और पहला पार्ट यहाँ पे टू पेंगुइन यानी कि सी से शुरू होगा, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी सी से, ये कन्फर्म है। और सी आपका दो में है, ए में और बी में। सी के बाद देखना है कि सेंटेंस में क्या आएगा आपका। इन अंटार्कटिका टू पेंगुइन फाउंड अ वीडियो कैमरा, अंटार्कटिका में दो पेंगुइन को दिखाई दिया वीडियो कैमरा। एंड एक्सपीडिशनर हैड लेफ्ट इट सिटिंग ऑन द आइस व्हाइल ही विजिटेड अ रॉकरी। सी के बाद बी और सी के बाद ए लगा देखे, दे अपीयर टू बी पोसिंग फॉर सेल्फीज। जी नहीं, सबसे पहले सी के बाद बी आएगा, उसके बाद बात की बनेगी जो भी बात बनेगी। इस सेंटेंस का ऑप्शन आपका 54 का हो जाएगा करेक्ट, ए ही। नेक्स्ट भी आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे ही है। पहले आप सेंटेंस का पहला पार्ट ढूंढेंगे। मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट एंड इंसिस्टेड ऑन एंड इंस्पेक्शंस बाय एवरीवन। द वॉल्ट वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंटेड डोर। इट फासन थ्री सॉलिड स्टील बोल्ट्स थ्रोन सिमिलरली विद अ सिंगल हैंडल एंड हैड अ टाइम लॉक। द एलमोरे बैंड हैड जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट। सेंटेंस में सबसे पहले इसके अंदर ढूंढ लीजिए पहला पार्ट, और मेन सेंटेंस जो है इसका वो है एलमोरे, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम। जब भी सेंटेंस में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो समझो सेंटेंस उसी से ही शुरू होगा आपका, तो मेन सेंटेंस हो गया आपका डी, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी डी से। और डी सिर्फ आपका एक में ही है, आपको और सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका डी ही करेक्ट, 55 का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। 56 देखिए, ये आपका एक ईडियम है। ईडियम आपका फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स यानी कि ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ, ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ। 56 फुल ऑफ बीन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिवली एंड एनर्जेटिक, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला है बीइंग अपसेट, तो होने से आप फुल ऑफ क्रेजी आइडियाज, जी नहीं, इन गुड हेल्थ, जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 57 देखिए, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। चलो देखते हैं सेंटेंस को। कह रहा है कि वी हैव सफिशियंट फूड एंड क्लोथिंग अबाउट द फूड विक्टिम्स इन केरला। वी हैव सफिशियंट फूड एंड क्लोथिंग फॉर द फूड विक्टिम्स इन केरला। केरला में जो फूड विक्टिम्स हैं यानी कि जो खाने के शिकार हैं यानी जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में खाना भी है और कपड़े भी हैं, ये कहना चाह रहा है।
तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अबाउट की जगह आपको लगाना होगा फोर। यस, आगे देखिए, अगला है आपका एंटोनम बताना है वर्ड का। वर्ड है आपका एम्पाथी। एम्पाथी मतलब किसी की भावना से, यानी कि किसी के एम्पाथी मतलब ऐसा समझिए, एम मतलब होता है बनाना, क्या होता है ई एम मतलब बनाना, टू मेक, टू मेक, तो किसी की भावना से सहानुभूति लेना, यानी कि किसी की भावना से सहानुभूति। हमें बताना है यहाँ पे अपोजिट इसका, एप्रिसिएशन प्रशंसा करना, वार्म्थ खुश, सिंपैथी सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब होता है ऐसे जैसे कि जो चीज़ आप पे बीत रही है वही चीज़ पहले मेरे पर भी बीत चुकी है, उसे बोलते हैं सिंपैथी। क्या बोलते हैं उसको? सिंपैथी। लाइक मान लीजिए कोई ये कहने लगे कि सर, कोई भी व्यक्ति कहने लगे मेरे पापा नहीं है, तो मुझे भी वो फील होता है क्योंकि मेरे भी पापा नहीं है, तो ये चीज़ मेरे पे भी फील हो चुकी है पहले से, इसे बोलते हैं सिंपैथी। यानी कि जब दो लोगों पर सेम घटनाएं बीत रही हों उसके लिए सिंपैथी। अगला आपका एपाथी। एपाथी मतलब उदासीन, जिस पर किसी बात का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। हालांकि इसका आंसर यही होगा, अपोजिट बताना है, तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। अंडरलाइन पार्ट को बताना है ठीक क्या होगा। हु वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज राउंड। सबसे पहले ये किसने डिक्लेयर किया था कि अर्थ गोल है। हालांकि ये बात ठीक है, द अर्थ इज़ राउंड, द अर्थ के लिए आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, अर्थ से साथ आर्टिकल आया करता है, आर्टिकल भी है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे इस सेंटेंस में है आपका नो एरर, यानी कि यहाँ पे आप लगाएंगे डी आंसर इसका। अगले सेंटेंस का बनाना आपको इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बनाई हुआ है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फॉलो टू बी अरेस्टेड। सेंटेंस बनाएंगे आप इसको करेक्ट। द ऑफिसर सैड कोमा इनवर्टेड कोमा। सेंटेंस वाई से कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस टू से कनेक्ट है। टू से कनेक्ट है, इसका मतलब सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है। क्या है ये सेंटेंस? आपका इम्पेरेटिव है, तो डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस आप कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ए बाहर। द ऑफिसर सैड अरेस्ट द फेलो। द ऑफिसर रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्टेड नहीं करेगा वो। द ऑफिसर सैड टू द फेलो अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम लगा सकते थे, लेकिन ऊपर सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, टू बी अरेस्टेड है, टू बी अरेस्टेड। 60 सेंटेंस का ऑप्शन सबसे बेहतरीन बैठ रहा है आपका बी, करेक्ट। क्या बैठ रहा है? बी सबसे उचित ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे, तो इस सेंटेंस का आपका हो जाएगा बी आंसर। आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कह रहा है कि इफ़ द बस हैडंट ब्रोकन डाउन। ये तो कंडीशनल सेंटेंस है आपका, और कई बार आता है एग्जाम में ये वाला कि इफ़ वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा। बता चुका हूँ पहले भी कई बार, देखो उसने विल भी लगाया, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए था वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपके पास डी के पास, सो इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है 62 में, बाय माय ओपिनियन, ये रॉन्ग है। जब सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, या फिर इन ओवर ओपिनियन। उसके अलावा आपके सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू देम। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए आप अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अकॉर्डिंग टू मी नहीं कर सकते, इसलिए सेंटेंस का आंसर होगा यहाँ पर इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पता चल जाएगा इसका ऑप्शन सही क्या है। सो यहाँ पे इन माई ओपिनियन बी पार्ट में है, बी ही इसका करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। आपको उसकी करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है। सेंटेंस में पहले लगाया हुआ है वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना होगा वॉज वर प्लस आईएनजी। क्या ढूंढना होगा? वॉज वर प्लस आईएनजी, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट।
नेक्स्ट देखिए, भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन डैश व्हेन ही वाज 16. भानु मेड अ वर्किंग मॉडल, भानु ने बनाया है एक वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन, भानु ने बनाया है, भानु यहाँ पे एक लड़का है या लड़की, बस यही हो सकता है शायद, हालांकि आगे क्लियर हो रहा है वैन के बाद कि लड़का ही है, तो भानु के लिए आप लगाएंगे यहाँ पे हिमसेल्फ, क्या लगाएंगे हिमसेल्फ, और कुछ नहीं आ सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इट सेल्फ नहीं आ सकता, वन सेल्फ नहीं आ सकता, हर सेल्फ नहीं आ सकता, तो भानु के लिए आप लगाएंगे हिमसेल्फ। इस स्थिति में इस सेंटेंस का आंसर हो जाए आपका बी करेक्ट। आई कट ए स्नैक दैट वेल इज फुल ऑफ स्नैक्स, आई कट इट बाई इट्स टेल एंड ड्रॉप्ड इन द ओल्ड वेल, वेन एवर वी कैच वन इंस्टेड ऑफ किलिंग इट वी ड्रॉप इट इन द वेल। आपको बताना है कि इस सेंटेंस का सही सीक्वेंस क्या होगा। देखिए सही सीक्वेंस तो सेंटेंस का यहाँ पे ए से शुरू होगा। सेंटेंस में मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले सेंटेंस में आप सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट से मतलब या तो नाउन या प्रोनाउन, दो में से कोई एक ढूंढना है। नाउन उस चारों सेंटेंस में से किसी के पास भी नहीं है, प्रोनाउन यहाँ पे बेस्ट बैठ रहा है आपका आई के साथ में, आई आपका दो सेंटेंस में है ए में और सी में। आई कट अ स्नैक वंस, एक बार मेरे सांप ने काट दिया, और आई कट इट बाय इट्स टेल एंड ड्रॉप्ड इट इन द ओल्ड वेल, ये बाद की बात है, पहले शुरुआत करेंगे एक बार से ही। आपने कई बार सेंटेंस में इस तरह देखा होगा, वंस देयर वॉज अ पुअर मैन, एक बार एक गरीब व्यक्ति था, सेंटेंस की शुरुआत इस तरह करते हैं। तो ए से सेंटेंस शुरू होगा, ए आपका सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 66 देखिए, दिस इज स्ट्रिक्टली डैश, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब डिपेंड है, पहला आपका ऑफ द रेल्स, अस्त व्यस्त, लिखते चले जाइएगा आपको याद भी हो जाएंगे ये, अस्त व्यस्त। दूसरा है आपका ऑफ द की, अनुपयुक्त, पता नहीं कैसे लिखते हैं बच्चों अनुपयुक्त, चलो अनुचित लिख लो इसके लिए आप अनुचित। यस, सी है आपका ऑफ द मार्क, ऑफ द मार्क मतलब जैसे कि मार्क है आपको यहाँ मार्क करना है, आपने यहाँ मार्क मार दिया, फिर तीर मार दिया आपने यहाँ, जबकि मारना था यहाँ, तो यानी कि मुख्य मुद्दे से हटकर, मुख्य मुद्दे से हटकर। और डी है आपका ऑफ द रेल्स, ऑफ द रेल्स सॉरी ऑफ द रिकॉर्ड, माफी चाहूँगा, ऑफ द रिकॉर्ड मतलब गुप्त, जिसे बोलने वाले का नाम के साथ ना छापा जाए, उसे बोलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। दिस इज स्ट्रिक्टली बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड, दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। इस सेंटेंस का हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट, यानी कि गुप्त रखना। अगला देखिए, देर वॉज सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम, शी लुक्ड एट द मैंगोज लॉन्गिंगली, रोमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ईट वन कमला केम अलोंग। सेंटेंस में आपको ढूंढना सबसे पहले पहला पार्ट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रोमी, सेंटेंस में यानी कि नाम दिख रहा है। मैंने अक्सर कहा है आपको, जब भी सेंटेंस में आपको नाम दिख जाए सेंटेंस आपका वहीं से स्टार्ट होगा, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगा आपकी सी से ही, ये कन्फर्म था। सी दो में है, रोमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री, देर वॉज सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ईट वन कमला केम अलोंग, शी लुक्ड एट द मैंगोज लॉन्गिंगली। सी ए डी बी एक सही सीक्वेंस होगा, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। प्लीज़ शेयर योर क्लास नोट्स विद मी, आपको बनाना है इसका करेक्ट पैसिव। सेंटेंस में आया प्लीज़, प्लीज़ आया है तो आप इसे बनाएंगे रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका बी के पास, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर क्लास नोट्स विद मी, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही कैन का हो जाएगा कुड, राहुल सेड दैट ही कुड स्पीक फ्रेंच,
जो कि आपका सी के पास 69 का हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन पार्ट 70, जो कि एक idiom है, इन द डार्क, यानी कि किसी को कोई बात ना बताकर उसे अंधेरे में रखना, यानी कि बात को छुपा के रखना, इन हाई पोजिशन नहीं, इन अ डार्क प्लेस, इन अ डार्क प्लेस जी नहीं, इन इग्नोरेंस बिल्कुल किसी चीज़ को लोगों से इग्नोर करके रखना। अगला सेंटेंस है, आपको बताना है कि सेंटेंस किस पार्ट में है, ग्रामेटिकली एरर, एवरीथिंग हैज़ बिकेम जी नहीं, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, जबकि बिकेम आपकी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है आपकी बिकम और थर्ड फॉर्म भी यही है आपकी बिकम, कम केम, कम बिकम बिकेम बिकम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिकेम की जगह आपको लगाना होगा बिकम, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की बेल, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा विटी कल्चर, क्या हो जाएगा विटी कल्चर, पहले है एग्रीकल्चर, ये तो आपको पता ही होगा खूब अच्छे से, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम के कीड़े को, हॉर्टिकल्चर का मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन अंगूर के लिए विटी कल्चर का ही इस्तेमाल किया जाता है, ये मुझे क्लियर पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका एविडेंस, एविडेंस बोलते हैं प्रमाण को, सबूत को, देखिए सबूत दो तरह के हुआ करते हैं, एक तो जीता जागता और एक वस्तु, लाइक मान लीजिए आपने कोई कत्ल कर दिया किसी का और वहाँ आपका चश्मा रह जाए तो वो एविडेंस है, और आपको कत्ल करते हुए मैंने देख लिया तो ये आई विटनेस है, क्या ये आपका आई विटनेस, तो एविडेंस मतलब कोई सबूत, एविडेंस का मतलब कोई सबूत, पहला है आपका इंडिकेशन बिल्कुल, री फॉर्टलेसन डैनियल कंसेलमेंट, पहला ही हो जाएगा आपका इंडिकेशन यानी कि संकेत या इशारा। नेक्स्ट है 74, शी टोल्ड द विलेजर दैट शी वुड नॉट रेस्ट टिल शी हैड सॉल्व दिस वाटर प्रॉब्लम, देयर वाटर प्रॉब्लम, आपको यहाँ पे वुड को बनाना है विल, हेड को बनाना है हैज़, सी सेट टू द विलेजर, पहले में वुड को वुड ही रखा इसलिए रेस से बाहर, सेकंड में वुड को विल करा ठीक है, हेड को हैज़ करा ये भी ठीक है, लेकिन देखते सेंटेंस पूरा आप, सी सेट टू विलेजर्स कोमा नॉट कोमा, शी विल नॉट रेस्ट टिल शी हैज़ सोल्ड माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि हर हो जाएगा जबकि ऊपर सेंटेंस में देयर है तो इसलिए बी बाहर, सी सेट टू द विलेजर्स आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव सोल्ड योर वाटर प्रॉब्लम, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट। 75 देखिए, फिर से आपको लगाना है सेंटेंस को सीक्वेंस में, आपको सेंटेंस का पहला पार्ट ढूंढना है, कह रहे कि इट वॉज टोस्ड हाई ऑन द वेव्स, अ वॉयलेंट स्ट्रॉम रोक्ड एट द सी, द हेल्पलेस पीपल फायर्स विंड्स, बच्चों सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी बी से, अ वॉयलेंट स्ट्रॉम एक खतरनाक तूफान, सबसे पहले सेंटेंस में मेन सेंटेंस ढूंढना बहुत आसान है क्योंकि सेंटेंस में आपको नाउन ढूंढ लेना है जिसके सेंटेंस इर्द गिर्द घूम रहा है, ये नहीं मिल रहा है तो प्रोनाउन ढूंढ लीजिए, बस बहुत आसान हो जाता है इस तरह सेंटेंसेस को ढूंढना, तो मुझे देखा बी में, बी से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है दो सी और डी, अब बी के बाद देखते हैं डी कन्फर्म है ये भी उसने कह दिया है, अब उसके बाद देखते हैं, अ वॉयलेंट स्टॉर्म रॉक्ड द सी, फायर्स विंड स्ट्रक अ सेलिंग शिप, इट वॉज टोस्ड हाई ऑन द वेव्स, द हेल्पलेस पीपल्स अबोर्ड द शिप प्लंज इन टू द सी, तो बी डी ए सी यानी कि इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका डी, भानु पनिश दैट ही वुड हैव कम टूडे बट ही हैजंट अराइव्ड येट, आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर होगी, भानु प्रोमिस्ड दैट ही वुड हैव कम टूडे बट ही हैजंट अराइव्ड येट, सेंटेंस के आपको देखना है कंडीशनल पार्ट है सेंटेंस 76, कंडीशनल है तो यहाँ पे आगे वाले पार्ट में आ रहा हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आप वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं ये देखना होगा, लेकिन यहाँ सेंटेंस जो चलेगा आपका पिछले हिस्से को देख कर चलेगा, पिछले हिस्से में आपको आ रहा है प्रोमिस्ड, क्या आ रहा है प्रोमिस्ड, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म,
नेक्स्ट स्टेप में भी आप लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता तो यहाँ पे वुड है प्लस थर्ड फॉर्म लगाते। तो फिलहाल इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। इफ़ ही इज़ मोर केयरफुल ही वुडंट हैव, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया है, तो इफ वाले पार्ट में आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल तो यहाँ पे ए आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। 78 देखिए, डॉक्टर आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, आपको बनाना है इसका पैसिव। आपको दिख रहा है यहाँ पे इज एम आर प्लस एन जी, तो आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में भी है, डी में नहीं है। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज बींग कॉन्स्टेंटली मोनिटर्ड, द कंडीशन ऑफ द डॉक्टर, बच्चे डॉक्टर नहीं पेशेंट की कंडीशन है। यहाँ पे 78 में बी ही लगाना होगा करेक्ट, डॉक्टर तो उसे देख रहा है आकर के। 79 देखिए, जो कि एक वोकेबलरी है, परसिस्ट मतलब जारी रखना, कंटिन्यू रखना किसी काम को, आपको बताना है सिनोनियम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंटिन्यू ही, यानी कि ए। 80 सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ रोंगली स्पेल्ड है, लथार्जी, लेटर, लेटरल, लेटिट्यूड, कौन सा यहाँ पे प्रॉपर आंसर होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो रोंगली स्पेल्ड वर्ड है यहाँ पे वो आपके लेथार्जी पहला ही है, एल ई होना चाहिए था जबकि यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे जो उसने एल ए सेंटेंस में ई की जगह ए होना चाहिए था, यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 81 देखिए, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इम्प्लाई दैट रेन्स कैन बी अ कॉन्स्टेंट थ्रेट, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में है एरर, ज़रा देखते हैं। कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड, आप इन इंग्लैंड को कट कर दीजिए यहाँ से क्योंकि प्रपोजिशन के बाद है, तो सेंटेंस हो गया आपका यहाँ से स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। और मैंने आपको बताया है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी जीरंड से, किससे, जीरंड से, तो चाहे बाद में कुछ भी आ जाए लेकिन इसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, ये याद रखें। तो यहाँ सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब आनी थी, इम्प्लाई नहीं, इम्प्लाइज होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता। इस सेंटेंस में इम्प्लाई की जगह इम्प्लाइज होना चाहिए था, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 82, 100 तक मैं आपको करा दूंगा सिर्फ इसके आज, तो यानी कि लगभग 18 क्वेश्चन अभी रह रहे हैं इसके लेफ्ट। हु कैन हेल्प मी विद मैथमेटिक्स, हु से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, आप इसे बनाएंगे बाय होम से। आप देखिए यहाँ पे बाय होम कितनों में है, बाय होम आपको दो में दिखाई दे रहा है, पहले में और दूसरे में, कैन का कैन ही रहेगा इसलिए पहले वाला बाहर, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। द रॉयल फैमिली हैड देयर हाइड देयर इंटरनल डिस्कॉर्ड एंड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट ऑन इट्स कंट्री, ऑन इट्स कंट्री, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या ऑप्शन आना चाहिए करेक्ट। ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे, द रॉयल फैमिली हाइड देयर इंटरनल डिस्कॉर्ड एंड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट टू देयर कंट्री, यानी कि अपने कंट्री को, टू का मतलब यहाँ पे को से है, हालांकि टू का मतलब को ही होता है इसलिए उसने यहाँ पे टू लगाया। अ रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, एक रूम जहाँ पे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हो और प्रोवाइड की जाती हो लोगों को। 84 इसका आंसर हो जाएगा डिस्पेंसरी। 85 पहले से ही पैसिव बना हुआ है, बाय होम लगा है आपको सिर्फ हु लगाना है, वोज पहले से लगा है आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, सेकेंड फॉर्म, हु ब्रोक द विंडो पेन, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, बहुत इजी था। 86 वर्ड है आपका कोग्निजेंट, कोई तर्कपूर्ण एवं आश्वस्त करने वाला कथन, बताना है सिनोनियम्स, कन्विंसिंग,
जी बिल्कुल सही हो सकता है। वीक माने कमज़ोर, इनएफेक्टिव, पैथेटिक, दयनीय, अप्रभावकारी, यही इसका आंसर होगा करेक्ट। इस सेंटेंस का ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 87 आपको बनाना है इसका पैसिव। अ पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे वॉज बींग मेड, पहले ही पैसिव है, वॉज वर प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म लगा है, आपको वॉज वर प्लस आईएनजी ढूंढना है, कितनों में है, पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी है। सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग अविका से। अविका आपका सिर्फ बी में है, अविका वॉज मेकिंग अ पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो इसलिए आज से इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। 88 देखिएगा, माई फ्रेंड हैज़ स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट इन अ वुडन बिग बिल्डिंग इन मनाली, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में है एरर। 88 सेंटेंस में देखिए, माई फ्रेंड हैज़ स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट इन अ वुडन बिग बिल्डिंग। जी नहीं, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, इन अ बिग वुडन बिल्डिंग। यस, क्योंकि ये एक सिस्टम है एडजेक्टिव को लगाने का, जब एक से अधिक एडजेक्टिव एक साथ आएँ तो सबसे पहले साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन और मटेरियल, ये एक से अधिक एडजेक्टिव एक साथ लगाने का है स्ट्रक्चर। साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन और मटेरियल, तो यहाँ पहले साइज आया, यस, फिर ओरिजिन या मटेरियल कह लीजिए आप इसको, और बात ख़त्म बस फिर, यस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द लेडी सेड टू द प्लम्बर, वाई डिंट, आपको दिखा डिंट यानी कि सेकंड फॉर्म आपको ढूंढना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है तो डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा, पहले में डब्ल्यू फैमिली है, हैड भी है, आंसर हो सकता है सेकंड में नहीं है, थर्ड में इफ से कनेक्ट हुआ है, फोर्थ में तो नासी मार सेंटेंस का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। 90 देखिए, वाई ही वॉज एंग्री विद द गार्ड, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है वाई से, आखिरी में है क्वेश्चन मार्क, तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बात चाहिए थी, यहाँ पे वाई वॉज ही एंग्री, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। 91 देखिएगा, द साइंस डीलिंग विद एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, वन वर्ड है, आपको बताना है कि इसके लिए प्रॉपर वन वर्ड क्या रहेगा। द साइंस डीलिंग विद एक्सरेज, जहाँ पे एक्सरेज किए जाते हों, और अदर हाई एनर्जी रेडिएशन, जहाँ पे अदर हाई रेडिएशन चलती हो, स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो उसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? रेडियोलॉजी। द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली इट वुड टेकन हिम टू द ऑपरेशन थिएटर, आपको बताना है कि सेंटेंस के अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर होगी। सिर्फ अंडरलाइन पार्ट देखना है और आपको कुछ नहीं देखना है यहाँ पे, सो देखें फटाफट ध्यान से। द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली इट वुड टेकन हिम टू द ऑपरेशन थिएटर, यहाँ सेंटेंस में दो सेंटेंस आए हैं, द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली, फिर नया सेंटेंस आ गया इट वुड टेकन हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। इट यानी कि ट्रॉली के लिए इस्तेमाल किया उसने यहाँ पे, जबकि यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे आप कंजक्शन के तौर पे दैट लगा करके काम चला सकते थे, क्योंकि पहली बात तो ये कि दो सेंटेंसेस हैं तो आपको कंजक्शन से वैसे भी जोड़ना था, क्योंकि दो सेंटेंस बिना कंजक्शन के आपके प्रॉपर नहीं बैठते हैं, तो यहाँ पे दैट सही रहेगा ऑप्शन, और कोई ऑप्शन यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, सो दैट वुड टेक। दूसरी बात, यहाँ पे वुड के साथ उसने सेंटेंस में टेकन यानी कि थर्ड फॉर्म लगाई है जो कि रॉन्ग है, तो यहाँ पे आप सेंटेंस का आंसर लगाएंगे टेक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। 93 सेंटेंस से आगे का पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल यहीं से लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।